TheRadar.com, विश्वास वही रफ्तार नई। आप सब ये जानते हैं कि आस्था का महापर्व छठ जो है वो शुरू होने जा रहा है। कल नहा खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत हो जाएगी। 19 को खरना है, 20 को शाम को पहला अर्घ डाला जाएगा और 21 नवंबर की सुबह दूसरा अर्घ डाला जाएगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस पर्व का खासा महत्व होता है। दिवाली के ख़त्म होते ही इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। मार्केट में दौरा, सूप, कोसी, फल, सब्जियां, कद्दू, इन चीज़ों की जो खरीद की जो तेज़ी है वो आ जाती है और बाज़ार सज जाते हैं। इस समय हम रांची के बकरी बाज़ार में हैं और यहाँ से हम लाइव आपके साथ जुड़ रहे हैं ताकि आप घर बैठे ही जान सकें। जब आपने ये तैयारी कर ली होगी, आपके घर में छठ होगा, तो आप ये जानना चाहते होंगे कि मार्केट में जो सामान है उसकी कीमत क्या है। और ये जानने के लिए हम दुकानों पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये भी पता करेंगे कि जो जितने सामान है, दौरा है, सूप है, उसकी कीमत मार्केट में क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में कि अच्छी खासी भीड़ जो है वो लोगों की जुटी हुई है यहाँ पर सामान खरीदने के लिए। चूँकि कल ही नहाए खाए है इसीलिए आज जो है वो बाज़ार में काफ़ी भीड़ जो है जुटी हुई है लोगों की। और यहाँ पर जो दुकान है उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे ही जानना चाहेंगे कि जो रेट है वो क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिनहाज। अच्छा मिनहाज जी, कब से आपने ये बाज़ार आज लगा दिया है? आज तो हम 8 बजे से हैं। 8 बजे सुबह से लगा दिया आपने, तो क्या है रेट आप एक बार बता दें अलग अलग चीजों की और किस रेंज तक आपके पास? मेरे पास तो कम ही रेट रहता, 60 रुपए सूप है। आरओ का तो सबका रेट एक बार बता दीजिए कि कौन से रेंज में क्या क्या रेट है ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको। टोकरी है वो आपका 80 से लेकर के 160 रुपये तक है। ये 80 का है, वो आपका आएगा 100 का, वो आएगा 150 का, ठीक है, और ये आएगा आपका 300 का, और उससे छोटा आएगा आपका 250, 200, 160, 150, वो सब रेंज का। अच्छा, और ये सूप का एक बार आप बता दे तो सूप का कीमत जो है वो बता दीजिए। सूप का देखिए आगे में बेच रहे वो 60 का है और एक 80 का है, बस ये दो ही मेरे पास सूप है। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं पिछले बार की कीमतें क्या बढ़ी हैं या लोगों के साथ थोड़ी सी बहस हो रही है क्या की कीमतें जाने? वैसे कोई बहस कस्टमर से तो होती नहीं है, जो रेट है वही रेट है, हम फिक्स रेट रखते हैं, वैसे सब वाजिब रेट है। और लोगों का क्या दुकानदारी कर रहे हैं वो हमको नहीं, हम होलसेल करते हैं, होलसेल रेट में बेचते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ की जो रेंज है वो अलग अलग रेंज में है और जो दौरा है वो करीब 300 तक की जो कीमत है और वहीं सूप जो है वो 100-120 तक की कीमत का जो हाई रेंज कीमत है वो है 80 रुपये, जो एक फिक्स प्राइस है वो देखेगा आपके यहाँ। हमारे यहाँ एक दुकान है, यहाँ पर भी आप देखेंगे और इस दुकान से भी हम जान लेते हैं कि जो कीमत है वो क्या है। अपना अपना नाम बता दीजिए आप। साजिद अंसारी, मेरा नाम। तो साजिद जी, कब से आप दुकान लगाए हैं यहाँ पे? यहाँ तो मेरा बचपन से दुकान लगा। अच्छा, क्या दर है चीजों का जी? हाँ हेलो, क्या दर है आपके यहाँ जो टोकरी और ये सब किस किस रेंज में है? सूप 70-80 रुपया का दो रेंज में मेरे पास सूप है जी जी, और टोकरी वही 100-150-200 रुपये का रेंज में। अच्छा जी, बता दीजिएगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पता चल जाए कि कौन सा किस दर में। ये आपको वही 120-125 का रेंज में आएगा जी, वह 150 रुपया में आएगा। बड़ा टोकरी जो है 150 रुपये का आएगा, ये टोकरी जो है वह 100-110 रुपये। धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो आपने देखा कि जो रेंज है टोकरियों की और सूप की वो जो दुकानदार है वो बता रहे थे। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि कल 18 नवंबर को नहाए खाए के साथ आस्था के महापर्व छठ का शुभारंभ हो जाएगा। 19 की शाम को खरना है, इसके बाद 20 नवंबर को जो शाम को पहला अर्घ डाला जाएगा, वहीं 21 नवंबर को दूसरा। इसकी तैयारी जो है शुरू हो गई है और इस समय हम रांची के बकरी बाज़ार में हैं और जो छठ के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जो चीज़ें लगती हैं, वो ख़रीदने के लिए लोग दुकानों में इकट्ठा हुए हैं। और आप देखेंगे जो कोसी कहा जाता है और जो अलग तरह की जो चीज़ें होती हैं मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का भारत के जो आस्था है, जो परंपरा है, उसमें खास महत्व है। तो आप देखेंगे लोग इसे खरीदने के लिए। और मुझे अभी बातचीत में पता चला कि जो चीज़ें हैं मन्नत पूरी होने पर ये दिए जो हैं वो जलाए जाते हैं, कोसी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ दादी अम्मा हैं, उनसे बात करेंगे उनकी दुकान है कि किस किस रेंज में क्या क्या बेच रही हैं। क्या क्या बेच रही हैं दादी आप? ढक्कन बेच रहे हैं खरना वाला 20 रुपये, ढकनी 10 रुपये, कोसी है से 10 रुपये, 5 रुपये ऐसे करके बेचते हैं, दिया 1 रुपये बेचते हैं। अच्छा,
तो ये सब खुद आप बनाई हैं अपने हाथ से? हाँ, हम भी बनाए, खरीद के भी लाए हैं। अच्छा, खरीद के भी लाते हैं, खुद भी बनाते हैं। अच्छा, कब से दुकान लगाई है? यहाँ मैंने हमेशा लगाते हैं। अच्छा, यहाँ हमेशा लगाते हैं। अच्छा, तो आप सामान कैसा उल्सा बेचते हैं ना? अच्छा, तो हम सब बेचते हैं। अच्छा, तो अभी तक कैसा रहा है, अभी तक बिजनेस कैसा रहा? बिजनेस नहीं ठीक रहा। नहीं ठीक रहा है? आदमी कोरोना के चलते कम हो रहा है। अच्छा, कम आ रहा है कोरोना? हाँ, इस बार त्योहार में थोड़ा सा ढीला है। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत थैंक यू। तो आपने देख लिया कि जो मिट्टी की बनी जो चीजें हैं, ढक्कन है, दिया है, इसके अलावा जो कोसी है, उन चीजों की देख रहे हैं कि दादी अम्मा अभी बता रही थी कि कितनी कीमत है उसकी और लोग किस तरह से चीजें खरीद रहे हैं। यहाँ पर एक और दुकान में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, नारियल और उसमें लगने वाले बाकी जो चीजें होती हैं, उसकी कीमत भी हम जानेंगे। यहाँ पर आप देखिए, नारियल सजा हुआ है, उधर जो गड़ी नारियल का वो जो चीजें, बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो पूजा में, छठ के प्रसाद में अनिवार्य तौर पर शामिल किया जाता है, किशमिश है, अखरोट है, और बाकी जो सौंफ है, कच्चा बादाम, ये सारी चीजें आप देखेंगे यहाँ। काफी वो जो गले में पहनने के लिए जो मालाएं उस समय इस्तेमाल की जाती हैं छठ पूजा में खास तौर पर, तो ये सारी जो दुकान है वो छोटी चीजों की वो है। हमारे साथ यहाँ दुकानदार हैं और हम उनसे जानेंगे कि कीमत क्या है। अच्छा, आप थोड़ा सा खड़ा होकर आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा सा माइक पहुंचाने में दिक्कत होगा, सामान है। आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि गलत रेट नहीं लेंगे। नहीं मालिक, 55 रुपए ज्यादा बोल दी। बोलिए। अच्छा, आप क्या क्या है आपके पास आइटम? पूजा के आइटम टोटल आगे। अच्छा, नारियल, गड़ी, छुहारा, जाफर, कपूर, कसैली, कमलगट्टा, काठबेदाम, सौंफ, बादाम दाना, किशमिश, मखाना, लौंग, इलायची, चंदा नमक, धूप, अरवा चावल, तिल, जौ, चैला है, सिंदूर है। अच्छा, तो हमेशा तो मार्केट है। में ये चीजें बिकती हैं या मेला के लिए कुछ स्पेशल है? नहीं, मेला के लिए कोई स्पेशल नहीं, हमेशा जो रेट चलता है वही है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है न कम है। अच्छा, जो छठ का प्रसाद बनता है, जो सूप सजता है, उसमें नारियल एक बहुत जरूरी चीज है। आप रखे हैं, क्या रेट है नारियल का? 30 रुपया एक रेट है। एक रेट। अच्छा अच्छा, चलिए। तो आपने देखा कि यहाँ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो ख़रीदारी करने आए हैं, क्योंकि जो त्यौहार है वो शुरू होने जा रहा है कल से। कल नहाए खाए के साथ पहली बार जो एक परंपरा है उसमें भात, कद्दू की सब्जी और चने का दाल जो है वो खाया जाता है नहाए खाए के साथ, वो छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे कि एक दुकान जो है वो सजी हुई है चारों तरफ अलग अलग चीज़ों की, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हों या नारियल की दुकानें हों, इसके अलावा जो दौरा और सूप की दुकानें, इसके अलावा जो मिट्टी से बने बर्तन जो इस्तेमाल होते हैं छठ पूजा में, वो सारे चीज़ इस्तेमाल होते हैं। हम फिर से आपको बता दें कि हम इस समय रांची के बकरी बाज़ार से लाइव हैं। यहाँ पर हर साल ये मार्केट लगता है, जहाँ पर आप आकर एक साथ जो है मतलब पूजा में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश चीज़ें आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। शाम होते होते यहाँ पर रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि छठ पर्व का शुभारम्भ जो है वो 18 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा। 19 की शाम को खरना है, इसके अलावा 20 की को पहला अर्घ जो है वो शाम को डाला जाएगा, और 21 तारीख की सुबह जो है वो दूसरा अर्घ डाला जाएगा। और इसका खासा महत्व है, आप भी अपने अपने घरों में छठ कर रहे होंगे तो पूरी सुरक्षा के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए इस महापर्व को मनाएं। और छठ पूजा से जुड़ी हुई और भी कई स्टोरीज के लिए, कई और अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आप तक तमाम जानकारियाँ पहुँच, इसके अलावा भी हम एक और बाज़ार में जा रहे हैं, और वहाँ से भी रांची के एक और बाज़ार में जहाँ ये चीज़ें सजती हैं, लगाई जाती हैं, वहाँ से भी हम लाइव दिखाएंगे। वहाँ से जो कल इम्पॉर्टेंट है, जो कद्दू भात जो खाया जाता है, जिसे जो स्थानीय भाषा में कद्दुआ भात पर्व कहते हैं, वो सुबह कल जो होगा नहाए खाए के बाद, तो हम उसकी भी कीमतें, जो सब्जी की हैं वो कैसी हैं, जो फल तमाम जो छठ पूजा में इस्तेमाल होते हैं उसकी क्या कीमतें हैं, वो सारी जानकारी आपको थोड़ी ही देर बाद हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें लाइव देखा, और इस जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।